channel as the Shigo is here. So this is the day 9th of the Navratri series. आज का स्टेट है जम्मू कश्मीर. तो है शिवा बराय. इसका मतलब है आप सब कैसे हो. And hopefully this is the last series of today, this year Navratri series. And यार थोड़ा बहुत दुख है एंड थोड़ा बहुत एंड बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि मैंने ये सीरीज पूरा कंप्लीट किया. एंड आई डिड लाइक मेरा खुद का ये सारा आई मेकअप था. मैंने कहीं से इंस्पायर होके नहीं लिया. जिस मैं ट्रांजिशन बनाती थी तो उनका मैं इंस्पायर लेती थी. वैसे मेरे सारे मेकअप्स मेरे खुद के आइडिया वाले हैं, किसी का कॉपी किया हुआ नहीं है. एंड आई एम सो प्राउड ऑफ मी. दैट्स द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस नवरात्रि सीरीज. And let me tell you a little brief about my makeup. Perfect I look like. It's kind of mehndi wali jo color hoti hai na, uska eye look maine create kiya hai. Because it's match my outfit so much. Maine pehle bhi ek green wali eye look create kari, but wo utni achhi nahi turn out hui thi. But ye wali look, I just love this guys. Aap dekh sakti ho, perfect like. मेकअप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के जैसे करते हैं ना आई लुक, वैसे मैंने किया है इस आई लुक को क्रिएट. एंड वेरी इजी एंड सिंपल, कोई भी कट क्रीज वगैरह नहीं किया है मैंने. एंड लिप शेड इज़ वेरी सिंपल एंड लाइक कोजी लिप्स लिप शेड मैंने किया है. सारे टीनेजर्स गर्ल्स कर सकते हैं क्योंकि अभी तो वो अभी जैसे पंडाल हॉपिंग चल रही है तो ऐसा आप वेयरेबल मेकअप कर सकते हो. सो सारे प्रोडक्ट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, चेक दिस आउट एंड Let's get started. Let's start with this Nykaa Skin Genius foundation. This is a really lightweight foundation and मैंने सोचा कि day 9 में एकदम light look create किया जाए with a very complex base. तो मैंने इस foundation को choose किया and मैंने Wet Beauty Blender की help से इसको अच्छे से blend out कर लिया अपने face में. टेक्निक है ब्लेंड करने का, तो मैं यहाँ पे गोरिल्ला फेस करके मैंने ब्लेंड किया. देन आई विल हाईलाइट माय अंडर आईज, चीक बोन्स एंड जॉ लाइन, नोज, फोरहेड, सबको मैंने अच्छे से हाईलाइट कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस स्विस ब्यूटी कंसीलर. दिस इज़ अ रियली लाइट फॉर्मूला है इसका एंड इट्स ईजी टू ब्लेंड लाइक हेवन. ब्रश के हेल्प से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया एंड इट्स ब्लेंड्स लाइक सो स्मूथली गाइस. सच में आप अपने हैंड या फिंगर्स की हेल्प भी ऐसे ब्लेंड कर सकते हो. देन अंडर आइज को मैं यहाँ पे बेक कर दे रही हूँ ताकि मेरे ऐसे क्रीज ना आए. आप देख सकते हो मेरे लेंस बाहर आ रहे थे. ऐसे करने से ना आपके क्रीज लाइंस नहीं आते हैं एंड आपका जो अंडर आइज है वो ग्रे भी नहीं लगता है. ठीक है, तो मैं हमेशा स्ट्रेच कर देन मैं इसको लगा लेती हूँ मैंने लूज पाउडर और अ कॉम्पैक्ट. एंड देन हम करेंगे आई लुक. उसके लिए जब सबसे पहले हम अपना आईब्रो को सेट ऑफ कर लेंगे एंड देन एक प्रॉपर सी लाइन बना देंगे ताकि हमारी आईब्रो एकदम परफेक्ट शेप में दिखे. एंड विद द हेल्प ऑफ कंसीलर वी विल मेक इट मोर डिफाइंड एंड या इन सबको ब्लेंड कर देंगे हम अच्छे से. आई लिड में भी कंसीलर लगा लेंगे फॉर मेकिंग माई आई शेडो लुक मोर पिगमेंटेड. एंड हम कोई भी एक लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट से आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो. सेट ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे हम बेस करते हैं साथ साथ में आई शेडो के लिए बेस बना रहे हो, उसको भी सेटअप करना इंपॉर्टेंट है. ओके, देन यहाँ पर मैं सिवजेरी का 54 आई शेडो पैरेट ले रही हूँ. वहाँ से मैं एक ब्लैक कलर का शेड ले रही हूँ और मैं आउटर कॉर्नर से इसको ब्लेंड करना स्टार्ट किया. देन आई एम टेकिंग अ रियली पीचीस काइंड ऑफ शेड एज अ ट्रांजिशन शेड एंड इट्स अ काइंड ऑफ लाइक ये वाला जो शेड है ना, ये शिमर और मेहंदी वाली जो कलर होती है ग्रीन टाइप की, वैसी शेड है क्योंकि मेरे ड्रेस से ऐसे मैच करना था मेरे को, इसलिए मैंने किया. अगर आपकी भी ऐसी कोई ड्रेस है ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर की, तो आप ऐसे कर सकते हो. मेकिंग माई आई लुक एंड द आउटफिट सिमिलर, उसके लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का काजल ले लिया, ब्लू वेलन का अच्छे से ब्लेंड लिया. देन मैंने लाइट ग्रीन कलर का आई शेडो लेके वाटरलाइन के नीचे एरिया में लगा लिया. देन फॉर द आई लैशेस के लिए मैंने यहाँ पे मस्कारा यूज़ किया. एज आई टोल्ड यू कि मेरे को हैवी लुक नहीं, एकदम नेचुरल एंड न्यूट्रल लुक क्रिएट करना था. दैट्स वाई मैंने जस्ट मस्करा यूज़ किया है, वाटर प्रूफ मस्करा है मेबेलिन का. देन हम एक रोज गोल्ड शेड लेंगे एंड ब्रो बोन एंड
इनों कॉर्नर को हाईलाइट कर देंगे अच्छे से। मैं पहले भी ग्रीन लुक किया है मैंने पिछली सीरीज में, बहुत ना अच्छा टर्न आउट नहीं हुआ बट इट्स लुक सो नाइस गाइस, आप देख सकते हो मेरा लास्ट लुक इज लाइक हेवन, आई लव सो मच। देन यहाँ पे मैंने बेला वीटा का लिप एंड टिट चेक ट्राई किया अपने एज अ ब्लश में, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाया देन, क्योंकि अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है इसलिए आई थिंक सो दे विल इम्प्रूव देयर लाइक प्रोडक्ट, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हार्ड है एंड इट्स नॉट ब्लेंडिंग ईजिली, इट्स टेक्स अ लॉट्स ऑफ टाइम। देन आई एम यूजिंग स्विस बेरी हाईलाइटर स्टिक, दिस इज़ इन द शेड रोज गोल्ड एंड मैंने इसको फिंगर से ही ब्लेंड किया, क्योंकि फिंगर से ब्लेंड करना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है मुझे एज़ कम्पेयर टू लाइक उसका जो पीछे का ब्रश दिया रखा है उससे, एंड इट्स लाइक हेवन सीरियसली। देन आई एम मेकिंग अ लिप शेड ऑफ माई चॉइस, उसके लिए यहाँ पे मैंने स्विस बेरी का लिप लाइनर लिया है इन द शेड मरून एंड देन मैंने यहाँ पे लवर का पिंक टॉनिक शेड लिया है एंड आई जस्ट मिक्स बोथ ऑफ देम एंड इट्स सो सो ब्यूटिफुल। सो लेट्स गेट रेडी। Day 9 of the Navratri series and this is the last episode, hopefully ये series complete हो गया है and comment के लिए ज़रूर बताना कैसा लगा आपको look and अभी कुछ कुछ festivals हैं वो भी आ रहे हैं तो उसके लिए भी मैं prepare करना start कर दे रही हूँ, plus Halloween आ रहा है so I'm super excited। या यहाँ तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें मैंने मचा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे सारे न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर एज मच एज यू कैन। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी, सी यू गाइस, बाय गाइस।